एवरीवन, माय नेम इज शिवांश बसीन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज का बजट का डे बहुत ज्यादा अच्छा गया एंड आज हम लोगों ने जो भी ट्रेड्स आपको बताए थे कल के दिन में वो बहुत ज्यादा अच्छे गए थे। हम लोगों ने आपको बैंक निफ्टी का सेटअप बताया था ऑन अ क्लियर बेसिस, एक बिल्कुल सिंपल टेक्निकल एनालिसिस जो एक लेमन पर्सन तक को आता है कि आप अगर हायर हाई और हायर लो आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हो, तो आपने आज बैंक निफ्टी के अंदर 800 पॉइंट्स की पूरी मूवमेंट कैप्चर करी है। यस गाइस, एक बार चलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, बताऊंगा कि किस तरीके से हुआ। इसके अलावा आज हम लोगों ने दोबारा ट्रेड दिया था जब बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल आया था एग्जैक्टली उसी टाइम पर, उसके बाद जो रिकवरी बैंक निफ्टी में दोबारा आई थी वो भी पूरी हम लोगों ने कैप्चर करी है। क्या सिस्टम है, कैसे समझना है, क्योंकि हमेशा टेक्निकल एनालिसिस पे ना हम लोग जब भी बात करते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों पे आप लोग जाते हो कि यार ये चीज सीखनी है, ये पैटर्न है, वो पैटर्न है, बट बिना पैटर्न के अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग 1200 टू 1300 पॉइंट्स तक भी बैंक निफ्टी में अर्न कर चुके हैं तो वो एक बिल्कुल सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है जिसकी एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी थी। सो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप और टेलीग्राम चैनल पे और बात करते हैं अब कल का दिन कैसा हो सकता है और किस तरीके से अप्रोच लेकर चल रही है। सो गाइज, हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन पे भी चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है, ब्रेकआउट अभी नहीं आया बट आ सकता है और एक अच्छी मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं। सिंपल वे में अगर हम लोग समझे तो एक अच्छी खासी इंपल्स मूव आई आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड रैली, उसके बाद हम देख रहे थे पास्ट फ्यू टाइम से हम लोग देख रहे थे ये कंसोलिडेशन कर रहा है एंड रेंज बाउंड था, एक रिट्रेसमेंट ले रहा था, तो ये रहा बॉटम, यहां तक रैली आई थी। एग्जैक्टली अगर इस पे फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा 50% और 61% पे ही ये रेंज बाउंड रहा था एंड यही कंसोलिडेट करा। आफ्टर दैट उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद अगर जिस दिन इसने ब्रेकआउट दिया था ऑलमोस्ट नवंबर की बात है, तब से उसी के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है और 50% फिबोनाची को ही बेस क्रिएट कर रहा है। अगर हम बात करें बेस, हमें पता चल गया दैट मीन सपोर्ट की जो लेवल ब्रेक नहीं होगा, अब रेजिस्टेंस क्या है जिसके ऊपर हम अपना बाय सेटअप बना सकते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है, येलो कलर का जोन, यहां पर भी सपोर्ट मल्टीपल सपोर्ट्स थे, जब फाइनली ब्रेक डाउन हुआ वही सपोर्ट उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया था। अब जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट होता है एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। क्यों? सबसे पहली बात तो एक बहुत अच्छे मीडियम रिलायबल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। After that, उसी ब्रेकआउट के टाइम पे इसने एक हेड एंड शोल्डर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट करा जिसका ब्रेकआउट अगर 381 रुपीस पे आ गया तो बहुत अच्छी मूवमेंट दे सकता है और ऑलमोस्ट 420 रुपीस तक भी जा सकता है। स्टॉक को वॉचलिस्ट के अंदर ऐड करो, मिलता है ट्रेड डेफिनेटली एग्जीक्यूट करो, कम क्वांटिटी के साथ करो अगर आपको रिस्क ज्यादा लगता है, बट आई थिंक ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। बात करते हैं दूसरे स्टॉक। हमारा दूसरा स्टॉक है सिंजीन इंटरनेशनल। सिंजीन इंटरनेशनल में मैंने अभी 2 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड यहाँ पर भी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सुपर है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो मल्टीपल सपोर्ट्स की एक हम लोगों ने ट्रेंडलाइन को कनेक्ट करा हुआ है, इसके अलावा सारे हाईस को मिला के ट्रेंडलाइन कनेक्ट करा हुआ है जिससे हमें पता चल गया कि कहाँ पर बेस है एंड कहाँ पर हमें सप्लाई जोन देखने को मिल सकता है। आफ्टर दैट अगर हम फर्दर स्टडी करते हैं तो अगर आप यहाँ पर जूम करके देखेंगे तो एग्जैक्टली ये ग्रे कलर का अगर आप जोन देख रहे हैं एग्जैक्टली इस लेवल पे मल्टीपल बार सपोर्ट्स लिया एंड फाइनली जाके इसने एक ब्रेक डाउन दिया था, बट ब्रेक डाउन देने का मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो गया। ब्रेक डाउन का मतलब ये था जो प्रीवियस हमारी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन चल रही थी एग्जैक्टली उसी को रीटेस्ट करा ब्रेक डाउन करने के बाद और वहां से दोबारा रेंज के ऊपर जाके क्लोज करी, विच इज अ वेरी गुड साइन। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे एक अच्छी फॉल आई, एक वी शेप रिकवरी के साथ ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर ना आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर एक बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी और अब वहां से रिकवर कर रहा है, क्या इज इट रिलायबल कि हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं? यस, अगर हम लोग पास्ट में देखेंगे तो एक बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती थी बट एग्जैक्टली इसी लेवल पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाता था। सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनती थी उसके बाद दोबारा मार्केट एक टर्न अराउंड करता था। तो यस, अगर हम पास्ट या बैक टेस्ट करें तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी एक टर्न अराउंड हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर छोटा सा एक जोन क्रिएट और करता हूँ आप लोगों के लिए तो यहाँ पर आप क्लियरली समझ सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें ऑन अ लोअर साइड एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, इस लेवल से जो फॉल आया इस लेवल तक एक हम लोगों ने वॉल्यूम मार्केट वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर यूज करा, हमें पता चला सबसे ज्यादा एग्रेसिव वॉल्यूम्स इसी रेंज के अंदर है, तो यानी कि इस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है जो कि 581-582 रुपीज का है तो डेफिनेटली हम 570 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और बाय चांस अगर हम मेंटेन करके रखें तो ये अपने प्रीवियस हाईस तक भी इजीली जा सकता है क्योंकि स्टॉक इन दी एंड बुलिश ही है। सो अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। आई होप आपको ये चार्ट सेटअप और क्लियर समझ में आ रहा है, कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलते अपने थर्ड स्टॉक की तरफ।
सो गाइस हमारा लास्ट स्टॉक है एनएमडीसी। एनएमडीसी में भी हमने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ और चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये एक इसका प्रीवियस लाइफ टाइम हाई हुआ करता था जनवरी 2020 पे। फाइनली उसका बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था अप्रैल 2021 पे, एंड उसके बाद बहुत अच्छी रैली भी दी थी। आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली स्टॉक नीचे आया, इट टेक अ वेरी गुड पॉज, और जो इसका प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था एग्जैक्टली उस लेवल पे इसने पॉज लिया और वहां पर एक टर्नर आउट। दूसरी चीज अगर हम लोग चेक करें, दैट इज द बेस, ये इसका बेस है और ये इसका टॉप है। एग्जैक्टली अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को हटाता हूं अभी के लिए, तो अब यहां देख सकते हैं एग्जैक्टली इसने भी सिंपल फिबोनाची के 50 और 61% पे हॉल्ट करा और उसके बाद अभी इसके ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर अभी तक आप लोग शुरुआत से अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो अगर आप एक बात समझ गए होंगे मैं इस पूरी वीडियो के अंदर आपको क्या चीज समझा रहा हूं, फिबोनाची से भी आप सिंपल ट्रेड कर सकते हो। छोटा सा टूल, एक सिंपल ट्रेंड लाइंस यूज करके आप अपने ट्रेड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो और अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को ले सकते हो। हमें कोई मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स, मल्टीपल चीजों को नहीं समझना होता, बट आपको एक प्रॉपर सिक्योरिटी साइकोलॉजी, एक साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, एंड सिर्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर कैंडल को देख कैसे रहे हो। देखिए अब यहां पर हुआ क्या, एक अच्छी मूवमेंट आई, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा, अपने बहुत मेजर लेवल सपोर्ट से ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। एक रीजन में अगर हम लोग समझे, एक बड़ी इंपल्स मूव के बाद रेंज बाउंड, दैट इज इट क्रिएटेड अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न, उसका बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया एट दिस लेवल, इट गेव अ रीटेस्ट और अब दोबारा ऊपर जा रहा है। क्या इस दोबारा ऊपर में हमें एंट्री लेनी चाहिए? आई थिंक हमें अभी नहीं लेनी चाहिए। पहली बात कि इस लेवल का ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, और एक पिछले बार हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था 10th January को, बट उसके बाद दोबारा नीचे आ गया था, तो हमें कोई छोटा सा रिस्क भी नहीं चाहिए। हम जितना मिनिमाइज कर पाए हमारे लिए उतना अच्छा। सो व्हाट वी कैन डू, ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई है जिस लेवल से एक फॉल आया और उसके ऊपर अभी तक जा नहीं पाया। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट ये स्टॉक दे सकता है, और मैं कह सकता हूं कि 185 तक मिनिमम टारगेट में एनएमडीसी के अंदर लेकर चल सकता हूं। सो अगर वीकली क्लोजिंग हम लोगों को 149-150 के ऊपर देखने को मिल जाती है तो एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। अब दो पॉइंट है आपके पास ट्रेड करने के लिए, अभी 145 चल रहा है और ₹5 ऊपर जाके हमें बाय करना है तो शायद एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बड़ा हो जाए। सो व्हाट यू कैन डू, अगर आप बाय करना चाहते हो इसके अंदर 100 shares, सो व्हाट यू कैन डू, आप करेंट लेवल्स पे जब कल मार्केट ओपन हो आप 30 या 40 shares ऑटोमेटिकली लेकर रख लो, जब ब्रेकआउट होगा तो और क्वांटिटीज एड ऑन कर लेना। बाय चांस अगर ब्रेकआउट नहीं होता और सीधा नीचे जाता है स्टॉप लॉस की तरफ, तो आपके पास लिमिटेड क्वांटिटीज होंगी जिससे आप अपना स्टॉप लॉस हिट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं शिवांश स्टॉप लॉस क्या रखें, तो आप लोग 132 rupees का अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, एंड आई थिंक दैट शुड बी द सफिशिएंट स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में कैसी आज हम लोगों ने 1300 points के ऊपर अर्न करा है, और बिना जब बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी रैली दी भी नहीं है। लेट मी शो यू, और एक बार टेलीग्राम को भी चलते। सो गाइज हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे आ चुके हैं, एंड यहाँ पर आप देखेंगे 1st February से मैंने अपना स्टार्ट करा था। सबसे पहले तो रात की बात है, रात को मैंने एक माना का ट्रेड एज ए ही एग्जीक्यूट करा था, और आपको बताया भी था क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज गाइज डेफिनेटली एक हाइप में चल रही है। अभी हमें पता चला कि एक टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया, बट कोई भी वरी करने की चीज़ नहीं है। मैंने कल एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसपे आप ईजिली ट्रेड कर सकते हैं, और वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे क्रिप्टो करेंसीज पे, और अपने कैपिटल को 4-5x ईजिली कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करें और ज़्यादा एग्रेसिवली बाय या बड़ी पोजिशंस ना इनिशिएट करें। सो हमने इस लेवल पे दिया था, एक अच्छा फ्लैग एंड पोल पैटर्न था, उसी की हमने बात करी, और उसके बाद एक बहुत बड़ी अपमूव हमें देखने को मिली है। चलिए कोई नहीं, अब हम लोगों ने कल के ट्रेडिंग सेशन पे 31st January को यहाँ पर एक ट्रेड दिया था कि एक बहुत अच्छी मूवमेंट आई, एक बड़ी मूवमेंट करी, छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया, अगेन एक बड़ी मूवमेंट करी, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया। यहाँ पर आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं, कॉमन क्या है, बड़ी मूवमेंट करने के बाद एग्जैक्टली 50 और 61% पे रुका और ऊपर गया, एग्जैक्टली बड़ी मूवमेंट देने के बाद अगेन नीचे आया और 50 और 61% पे रुका, तो यस वी कैन इमेजिन थ्रू टू बैक टेस्टिंग कि दोबारा एक बड़ी मूवमेंट दे सकता है। और इसका लेवल क्या लिखा हुआ है मैंने, 38,831 rupees का, जो कि इसका प्रीवियस हाई था, वो हमारा टारगेट था। ऑलमोस्ट हमारे लेवल से 800 rupees ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी ये बाय करवा दिया था, वो भी 2 बजे। उसके बाद आप क्लियरली देख सकते हैं बहुत बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला, एंड आफ्टर अ वेरी वेरी गुड गैप अप, ये देख रहे हैं ये बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिला और एग्जैक्टली वो लेवल अचीव, एग्जैक्टली वो लेवल, और वहां से हमें एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिला, और वो भी लेवल हम लोगों ने आपको बताया था क्यों सबसे बड़ा रिवर्सल है, यू कैन सी इट हियर क्लियरली,
कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है और इसके पहले भी एक मेजर रेजिस्टेंस इसी लेवल पे आ रहा था, तो डेफिनेटली यहां से एक सेलिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे। अब 800 पॉइंट्स तो चलो हम लोगों ने अर्न कर लिए, शिवान से आपने 500 पॉइंट और ऊपर कैसे अर्न करे? सो लेट मी शो यू। यहां पे दोबारा सेम स्ट्रक्चर देखिए, बैक टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना इजी सेटअप है। हायर हाई हायर लो क्रिएट हो रहा है, दोबारा एक बड़ी मूवमेंट देने के बाद दोबारा नीचे आया। जब दोबारा नीचे आया हमने दोबारा देखा 50% और 61% पे इसने रुका, रिजेक्शन नीचे दिया, हमने बाय करा। पहली बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था 38,050 रुपीज पे, मैंने बाय बोला था और 38,010 रुपीज का स्टॉप लॉस था 40 रुपए का, वो हमारा हिट हो गया था। फिर हमने दोबारा री एंट्री करी इस चार्ट्स को देखकर और उसके बाद प्रीवियस आपको पता है कि आज का कितना हाई लगा कि ये ऑलमोस्ट आया है। सो चलते हैं अब एक बार चार्ट सेटअप पे और मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग सारी चीजें पॉसिबल कर सकते हैं। हम लोग अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं। सो कल मैंने आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी दी थी, मैंने आपको बोला था देखिए मार्केट में आईवी बहुत ज्यादा है, हमें कोई फालतू की काउंटर पोजीशंस बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें ना कोई स्ट्रैडल बनाना है, ना कोई स्ट्रैंगल बनाना है, ना कोई फालतू की चीज बनानी है, हमें इतना पता है कि हमारा टारगेट क्या है। देखिए हमें स्ट्रैटेजी से मतलब नहीं है, हमें पता है कि हमें एग्जिट कहाँ करना है और हमें अगर एंटर कहाँ करना है। स्ट्रैटेजी तो हमारे पास ऑलरेडी डेवलप होकर आ जाती है, सिंपल सी पॉइंट है, कोई ज्यादा आप लोगों को कॉम्प्लेक्स चीज यूट्यूब पे सिखाने का कोई फायदा नहीं है। सो यहाँ पर अगर आप समझेंगे हमारा टारगेट यही था और इस टारगेट से नीचे आया, हमने इस टारगेट पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली कर ली, उसके बाद हम लोगों ने दोबारा इस लेवल पर री एंट्री करी। एक बार ये जब ये फॉल आया था हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम 40 रुपए के स्टॉप लॉस पे निकल गए। आफ्टर दैट दोबारा जब ये रेंज के बाहर निकला इस कैंडल पे, वी अगेन एंटर्ड और जो मैंने चार्ट आपको शेयर करा, इसके बाद आप क्लियरली देख सकते हैं ऑलमोस्ट इस लेवल से 600 पॉइंट्स की रैली इसने और दी थी जो हम लोगों ने कैप्चर अभी भी कर रखी है। अब यहां पर अगर आप समझेंगे सिंपल वे में, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, सिंपल वे में, तो यानी कि अगर हम लोग इस वे में काम करें तो यार इट्स वेल एंड गुड, हमें कोई फालतू स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एनालिसिस हमारे लिए प्रेफरेबल है। अब क्वेश्चन आता है क्या करना है करेंट प्राइस पे। देखिए अगर हम लोग बात करें एज एन इलिट वेव देख लेते हैं, तो आपको पता होगा फर्स्ट 2, 3, 4, 5 रैली आने के बाद एक फॉल आता है, ऊपर जाता है, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता और एक बड़ा फॉल आता है। ठीक है, अगर हम ये मान के चले, वी आर नॉट सेइंग कि इट कैन पॉसिबल, बट हम मान के चल सकते हैं, हमें प्रोबेबिलिटीज लेकर चलनी है कि यस ये भी हो सकता है। सो व्हाट वी कैन डू, हम कर सकते हैं ये जो प्रीवियस हाई है, ये प्रीवियस हाई अगर ब्रेकआउट देता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, आप देख रहे हैं यहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, अगर ये रेंज का ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली टुमारो वी कैन एंटर अ बाय पोजीशन, बट अगर कल गिरावट आनी स्टार्ट होती है तो हम लोग इस डिप के अंदर भी बाय नहीं करेंगे, क्योंकि हम तब इमेजिन करके चल सकते हैं एक बड़ी फॉल आ सकता है और वो बड़ी फॉल का जो टारगेट होगा, मिनिमम टारगेट, मिनिमम जो हम कह रहे हैं दैट शुड बी अराउंड दिस लेवल जो कि 37,600 हो सकता है। अब यहां पर ये मत समझिएगा द चार्ट स्ट्रक्चर इस वीक, चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बुलिश है, बट जो सिनेरियो है हम उस सिनेरियो पे भी काम करना होगा। सो हम दोनों तरफ अपनी पोजीशन लेकर चल सकते हैं, आइदर इसका ब्रेकआउट होगा तो एक बहुत बढ़िया चैनल का ब्रेकआउट होगा, अदर देन दैट अगर इसी लेवल से एक फॉल करना स्टार्ट करता है तो हम इस रेंज, ये रेंज देख रहे हैं, इस रेंज के नीचे अगर 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज कर गई डेफिनेटली शॉर्ट कर देंगे विद द टारगेट ऑफ मिनिमम टारगेट दैट आई एम सेइंग इज दिस और नेक्स्ट टारगेट शुड बी 37,100 रुपीज का। ठीक है, बजट अच्छा आया था, कोई सेल्फ पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं थी, सब बढ़िया था एंड आई थिंक यहां पर हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक बार निफ्टी की। सो एक बार निफ्टी को चेक करते हैं। निफ्टी में हमने कल बात करी थी कि हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस लेवल पे एक क्लोज हुआ, बट जब एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ और इस रेंज के ऊपर गया तो हम समझ गए थे कि ओके, सो निफ्टी में भी एक टर्न अराउंड हमें देखने को मिल रहा है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है एंड इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर जाएगा तो देखेंगे, बट आई विल पर्सनली सजेस्ट यू अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक इजीली अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, इग्नोर निफ्टी फॉर क्वाइट सम टाइम और अगर इसमें हमें कुछ बढ़िया दिखेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। एक बार बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के साथ, और वीडियो पसंद आ रही है तो गाइस लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज टेलीग्राम पे मैं बहुत अपडेट्स देता हूँ जो आपको हेल्प कर सकता है रिलेटेड टू क्रिप्टो, रिलेटेड टू फॉरेक्स एंड रिलेटेड टू इक्विटी मार्केट। तो एक बार ओपन इंटरेस्ट का डाटा चेक करते हैं इस वीडियो को एंड करते हैं। सो हम लोगों ने निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पुट राइटिंग हम लोगों को 17,500 पे देखने को मिल रही है और उसके ऊपर ही क्लोज करा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। दूसरी बात अगर हम लोग देखेंगे 17,300 और 400 पे कॉल राइटर्स एग्जिट कर गए हैं, विच इज वेरी गुड एज वेल। इसके अलावा अगर हम लोग चेक करें तो 17,200 और 100 पे भी हैवी पुट राइटर्स एक्टिव हैं और 17,400 पे भी एक्टिव हैं। सो यस वी कैन से दैट कि नीचे ऑन अ निफ्टी साइड लिमिटेड जाने की कम है और बैंक, और अगर हम लोग बात करें करंट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस जो क्लोजेस्ट प्राइस है दैट इज 17,600,
दोनों जगह कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों एक ही लेवल पे ओपन इंटरेस्ट का चेंज है। तो आई थिंक अगर एक बड़ा कल गैप अप आता है जो कि 17,630-640 के ऊपर चले जाता है और वहां पर 15 मिनट भी सस्टेन कर लेता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 17,800 का ही होने वाला है। बट अगर कल इसी लेवल पे खुलता है या गैप अप खुलता है गैप डाउन खुलता है और वो सस्टेन नहीं कर पाता हायर लेवल तो वहां पर हम लोग एक शॉर्ट माइनर सा ले सकते हैं, माइनर सा शॉर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के। सो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स सिमिलर है, ज्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, इतने दूर की हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल गया कि यहाँ पर करंट प्राइस बिल्कुल सिमिलर स्ट्राइक प्राइस के आसपास 38,500 पे हेवी पुट राइटिंग है और एग्जैक्टली इसी लेवल पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है। सो यस वी कैन इमेजिन कि अगर कल इसी लेवल से टर्न अराउंड करता है तो एक बड़ी फॉल हम लोग वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर नहीं करता तो हमारे लिए आगे भी 200-300 पॉइंट ऊपर दिक्कत है 38,800 पे। और अभी मैंने आपसे क्या बोला 38,800 जब तक ब्रेक नहीं होगा हमें बाय नहीं करना। आई होप ओपन इंटरेस्ट का डाटा हमारे चार्ट्स का डाटा बिल्कुल सेम बता रहा है। अपनी एनालिसिस एक बार खुद करिएगा एंड नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क ऑन टेलीग्राम पर्सनली टू मी एंड मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, आई होप आपने कुछ समझा होगा। वेरियस अदर जितने भी यूट्यूबर्स कम्युनिटी में है मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ बट आई पर्सनली थिंक कि ऐसे कोई एक्सप्लेन नहीं करता जस्ट दिस टेल यू द लेवल्स कि इसके ऊपर जाए बाय इसके नीचे जाए सेल। बट आई एम गिविंग यू द प्रॉपर टाइम, मैं ज्यादा टाइम लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप कुछ सीख भी पाए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन भी पाए। हैव अ वेरी गुड डे गाइस,